हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं RS अग्रवाल जी की बुक है, 9th क्लास मैथ, चैप्टर नंबर है 3। चैप्टर नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज 3C है, जिसमें कि अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60, जो कि यहाँ पर है। इस क्वेश्चन नंबर 60 में हमें करनी है फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन इस जो पॉलिनोमियल का, क्लियर हो रहा है? तो इस पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन करने के लिए इसको आप पहले जैसे सम्स करते आए हैं, इसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट हम करेंगे। वो किस प्रकार से होगा तो वो देखिए, समझिए। तो इसके सॉल्यूशन को करते हैं, लेट अस डू। तो मैं पहले पहल सॉल्यूशन के अंदर इसी ही को दोबारा से लिख रहा हूं। ओके, अब इसको कंपेयर कर, मतलब इसकी वैल्यू पुट करेंगे समथिंग, जैसे कि पुटिंग 2a-b, जो कि यहां पर दोनों जगह 2a-b है, इसकी जगह पर हम एक वेरिएबल x लेंगे इन वन। अब ये वन कहां से आया, वन मैं इसको नाम दे देता हूं, ठीक है। अब आपको फिर क्या मिलेगा, 9x² माइनस का 4x-13, मतलब यहां पर x आ गया और यहां पर भी x आ गया, आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाता है, ठीक है। तो फिर अब आगे इसको हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द अबव पॉलिनोमियल विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c। तो आप देखेंगे कि वैल्यूज जो है आपको इस प्रकार से मिल जाएगी, मतलब जो एक्स स्क्वेयर का, जहां एक्स स्क्वेयर है वो दोनों कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू आपको 9 मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू आई 9। इसी प्रकार से जो यहां पर एक्स है, वो जो कोफिशियंट्स है वो बी की वैल्यू आ जाएगी, b = -4 आती है, ठीक है। और जो बचा कांस्टेंट है टर्म, वो सी की वैल्यू होगी, क्लियर है। ए बी और सी की वैल्यू आपको मिल गई। अब आगे आगे आप जब करेंगे तो फिर आपको मिलता है ए सी की वैल्यू। ए सी की वैल्यू क्या है, अगर आप देखिए समझे, ए की वैल्यू 9 है और सी की वैल्यू -13, 9 और सी की वैल्यू -13। जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा -117, 39 या 117 होता है ना। अब क्योंकि ये नेगेटिव है तो सब्ट्रैक्ट करने पर बी की वैल्यू -4 मिलनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ए सी की वैल्यू -117 मिलनी चाहिए। वैसे तो इसको हम 1 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें डायरेक्टली ये टुकड़े मिले हुए हैं, 13 और 9, ये ही दो टुकड़े हैं, देख रहे हो आप। हाँ, जिनके अंदर दोनों का जो डिफरेंस है वो -4 है, मतलब दोनों को ऐड करें तो इस तरीके से, ठीक है, समझ में आया आपको। 13 -13 + 9 करें तो आपको -4 मिल रहा है। तो 13 और 9 ये दो टुकड़े हुए, जिसमें 13 का निशान हमने नेगेटिव रखा और जो दूसरे का निशान डिफरेंट रखा, जो कि पॉजिटिव है। 13 और 9 निशान किस प्रकार से रखे, इस प्रकार से कि बड़ी वैल्यू का निशान वही होगा जो कि बी का निशान है, माइनस का निशान है, तो 13 का निशान माइनस का और जो दूसरे का है वो डिफरेंट, मतलब प्लस का होगा। जब इसको हम सोल्व करते हैं -13 + 9 तो -4 मिल रहा है, जो कि बी की वैल्यू है, जो कि पहली कंडीशन थी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें अगर इन दोनों को तो हमें मिलता है -117,
117, मतलब एसी की वैल्यू जो कि सेकंड कंडीशन थी वो भी फुलफिल हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो ये डायरेक्टली हमें मिले हुए हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको नहीं करूँगा। जब हमारा काम आसानी से हो रहा है तो हम इस अपने काम को बढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। तो 13 माइनस का और 9 प्लस का, तो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट कर देंगे इसी ही हिसाब से। लिखेंगे 9x² माइनस का 13x प्लस का 4x माइनस का 13। अब आप देखें तो इन दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है। क्या कॉमन है? x कॉमन है, x² यहाँ पर है और एक यहाँ x है, दोनों में x कॉमन आ जाएगा। और कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, 9 और 13 में कुछ कॉमन नहीं है, 4 और 13 में भी कुछ कॉमन नहीं है, तो ये वैसे का वैसा लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 9 आना था क्या? सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये यहाँ पर भी कोई कॉमन कुछ नहीं है, तो यहाँ हम 1 कॉमन लेंगे, मतलब 1 ही ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे इन दोनों के अंदर से, तो आपको क्या करना होगा, 9x² बाय में और 13x बाय में समथिंग लिखोगे, जो आपने कॉमन लिया वही। तो x मैंने दोनों के डेनोमिनेटर में लिख दिया जो कॉमन लिया, इधर कुछ भी कॉमन नहीं लिया, हमने 1 कॉमन लिया तो 1 बाहर निकाल दिया और अंदर जो है वही की वही कर दिए। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, एक्स से ये एक्स कट गया, मतलब एक पावर कट गई, ठीक है। तो एक्स बचेगा, काट के नहीं दिखा रहा मैं, और यहाँ एक्स कट गया, आपको मिलेगा एक्स और ब्रैकेट के अंदर मिला 9x, ठीक है। इस क्योंकि इसे x² के अंदर से एक एक्स कट गया और 9 का 9 लिखा गया, तो 9x मिल गया। दूसरे में माइनस का 13, फिर प्लस का 1 लिया कॉमन और 9x माइनस 13 आ गया। अब 9x माइनस 13 जब लिया कॉमन इन दोनों के अंदर से, एक ये है और एक ये है, दोनों में ही 9x माइनस 13 आ रहा है, तो कॉमन ले लिया। इसके अंदर से बचा सिर्फ x, जब हमने ये कॉमन ले लिया। इसके अंदर से बचा सिर्फ +1, जब हमने ये कॉमन मतलब 9x माइनस 13 कॉमन लिया। तो ये हमारी फैक्टराइजेशन आई है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं हुआ, ठीक है। ये आंसर नहीं हुआ क्योंकि x के रूप में हमें वैल्यू लिखनी ही नहीं है, हमें जो निकालनी है वैल्यू हमें वो लिखनी है। तो इतना तो आपने देख ही लिया होगा, हमने जो x की वैल्यू रखी थी 2a-b, वही हम वापस पुट कर देंगे, ठीक है, किसके अंदर, जहां जहां पर भी x आया है। ओके, समझ में आ रहा है ना? तो इसके लिए फिर वापस फिर से हम स्टेटमेंट वो लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 2a-b। वापस पहले 2a-b की जगह हमने x रखा था और अब x की जगह वापस 2a-b रख रहे हैं, क्योंकि x हमें दिया नहीं हुआ, हमें आंसर 2a-b के रूप में लिखना है, ठीक है। इन टू, मैं अगर इसको नाम 2 दे दूं तो ओके, तो हमें मिलेगा क्या, 9 ब्रैकेट में 2a-b माइनस का 13। अब आप ये देखिए ना, जहां पर x आया हुआ है वहां पर 2a-b लिख दिया, बाकी वही का वही लिखा है 9x माइनस 13 के अंदर। अब दूसरी ब्रैकेट के अंदर आप देखें तो वो है x +1, मतलब x की जगह वही 2a-b +1। आपको ब्रैकेट सोल्व करने पर 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा 18a, 9 को -b से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा -9b -13। तो स्क्वेयर ब्रैकेट की जगह अब आप इस्तेमाल कर सकते हो पेरेंथेसिस, मतलब जो ये गोल ब्रैकेट्स है, ठीक है, ये इस्तेमाल कर ली। दूसरे में 2a-b +1, ये आपकी फैक्टराइजेशन हो जाती है इसकी। इतना क्लियर हो गया अच्छे से? आसान था ना? तो क्योंकि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तो फटाफट से आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, क्योंकि ये आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। कर कीजिए इसको शेयर अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। इसके बाद अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट को
सुनूंगा, समझूंगा और उसके प्रॉब्लम, आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको सॉर्ट आउट करूंगा। और फिर आपको क्या करना है, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए और ऑल पे क्लिक कर दीजिए। ये सब आपके लिए ही फायदेमंद होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।